भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हुए दो सबसे अहम खिलाड़ी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद अब सभी देशों की टीमों लगभग 6 महीने बाद होने वाली टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्टइंडीज और अमेरिका की टीम मिलकर करने वाली है और इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। दरअसल चोटिल होकर दो अहम खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले ही टीम इंडिया से बाहर हो गए, जिसके वजह से फैंस उदास हो गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या के रूप में एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से भारतीय टीम के टी20 फॉर्मेट की कप्तानी भी संभाले आ रहे थे। वनडे वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में चोटिल हो गए थे, जिसके वजह से वो टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। हार्दिक पांड्या चोटिल होने के चलते लंबे समय के लिए टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं और उनकी वापसी के संबंध में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सूत्रों से कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में वापसी मुश्किल है। ऐसे में भारतीय फैंस उदास हो गए हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या न सिर्फ एक अनुभवी खिलाड़ी कप्तान है बल्कि वह एक स्टार ऑलराउंडर भी है और अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से कभी भी मैच रुख बदल देते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत का नाम शामिल है। भारतीय टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत तो काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या की तरह ऋषभ पंत का टी20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना संदिग्ध लग रहा है। दरअसल ऋषभ पंत 2022 के दिसंबर में एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे और इस एक्सीडेंट में वह काफी बुरी तरह से चोटिल हो गए थे, जिसके वजह से उन्हें टीम इंडिया से बाहर रहना पड़ा है। अब तक क्रिकेट की दुनिया में उनकी वापसी नहीं हुई है और उनके फिटनेस को देखकर नहीं लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे। तो वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।